नमस्कार साथियों, आपका एसके ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के हाइट एंड डिस्टेंस यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अध्याय से प्रश्नों को बनाने का तरीका सीखेंगे। कैसे हम प्रश्नों को बनाते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों के संदर्भ में जो प्रश्न है वो प्रश्नों को बनाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज है। साथियों ध्यान रखना है, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, उसे कहते हैं दृष्टि रेखा। जब कोई वस्तु किसी वस्तु को देखता है, जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को देखता है, तो प्रेक्षक की आंख से वस्तु के जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। अगर दृष्टि रेखा क्षैतिज से ऊपर होती है तो उसको कहते हैं उन्नयन कोण, और यदि नीचे रहती है तो उसे कहते हैं अवनमन कोण। इस तरह से उन्नयन कोण अवनमन कोण बनता है। जो जमीन पर खड़ा है वो ऊर्ध्वाधर होता है, वो ऊंचाई होता है, और जमीन पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु जो होता है ना, क्षैतिज में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो दूरी होती है वह दूरी होती है। तो ऊंचाई और दूरी का ये खेल है, इसलिए इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है। अब हाइट एंड डिस्टेंस के पहले प्रश्न की तरफ चलिए कि पहला प्रश्न है, वह प्रश्न है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर एक मीनार, ये धरती हो गई, ये धरती माता हो गई पृथ्वी, इस पर एक मीनार हो गया ए बी। इस मीनार की ऊंचाई को मैंने कहा एच है, यही एच मुझे ज्ञात करनी है। इसकी पाद बिंदु यानी नीचे वाले बिंदु से 15 मीटर दूर, यहां से 15 मीटर दूर एक बिंदु सी है, जहां से इसके शिखर का मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी मुझे ज्ञात करना है। जो एच हो गया वो मीनार की ऊंचाई हो गई, इस ऊंचाई को मुझे ज्ञात करनी है। यहां से ये दूरी 15 मीटर दूर है। इस समकोण त्रिभुज में देखिए टेन 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार, एच बटे 15। टेन 60 का मान रूट 3 होता है, एच बटे 15 हो गया, तिरछा से गुना कर दिए तो एच बराबर 15√3 मीटर। अतः इस मीनार की जो ऊंचाई होगी वह 15√3 मीटर होगी। साथियों 15√3 मीटर ऊंचाई इस मीनार की ऊंचाई है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलिए। दूसरा प्रश्न कहता है एक बिजली मिस्त्री है, ये पूरे खंभे पर काम करना चाहता है। इस खंभे की जो सबसे ऊंचा शिखर है उसे 1.3 मीटर नीचे किसी बिंदु पर काम करना चाहता है। मान ली कि वह बिंदु डी है, जहां से वो ये पूरे हाइट जो अगर पूरे 5 मीटर का है, ये पूरी खंभा 5 मीटर है, 1.3 मीटर नीचे एडी पर, एडी की लंबाई हो जाएगा 5 − 3 यानी 3.7 मीटर। एक सीढ़ी लगाता है इस खंभे के ऊपर, सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी ये हमसे पूछता है, जबकि यहां से इसकी जो दूरी है वह इसके साथ जो जमीन के साथ जो कोण बना रहा है वह कोण 60 डिग्री का है। सीढ़ी की लंबाई को आपने एक्स कहा है तो इसको वाई कह सकते हैं। साथियों इस समकोण त्रिभुज में चलिए ए सी डी पे, देखिए पहली बात को समझिए कि ए बी जो है खंभा है पूरे 5 मीटर लंबा है, इस पर कोई बिंदु डी है जो 1.3 मीटर नीचे है, यानी इसकी लंबाई हो गई 5 − 1.3 3.7 मीटर। ये सीढ़ी लगाया गया है इस खंभे पर चढ़ने के लिए, इस सीढ़ी की लंबाई क्या होगी ये बताना है। जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, इस कोण के साथ लीजिए थी लंब है और ये कर्ण है, टेन 60 डिग्री अगर लेंगे तो 10-60 डिग्री के लिए हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। हाँ साथियों सीढ़ी की लंबाई को y मान लेते हैं और इसकी दूरी को x मान लेते हैं, यानी ये जो खंभे से सीढ़ी की जो निचली दूरी है वो x मान ली दूरी पर रखी गई है। तो 10-60 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार यानी 3.7 बटे एक्स। 10-60 का मान रूट 3 होता है, रूट 3 एक्स बराबर 3.7 यानी एक्स बराबर 3.7 बटे रूट 3, रूट 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए
तो 2.14 मीटर हो जाएगा। यानी एसी बराबर जो हो गया वह हो गया 2.14 मीटर अप्रॉक्स लगभग। अब मुझे इस सीडी की लंबाई भी याद करनी है, तो साइन 60 डिग्री बराबर ये हो गया 3.7 और सीडी की लंबाई हो गई वाई रूट 3/2 बराबर 3.7/ वाई रूट 3 वाई बराबर हो गया 7.4, इसलिए वाई बराबर 7.4/√3। साथियों ये ठीक इसी इसका डबल हो गया, इसी का डबल है, इसको रूट 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिए 7.4 × 1.73/3 हो गया। तो जो ये है इसका डबल हो जाएगा यानी 2.428 मीटर। इस सीढ़ी की जो लंबाई हो जाएगी 2.48 मीटर हो जाएगी। साथियों क्वेश्चन नंबर जो 3 है इस पर गौर कीजिए कि एक प्रेक्षक है 1.5 मीटर है, यह एक चिमनी से 18.5 मीटर दूर पर है, तो इस चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। साथियों पूरी चिमनी की ऊंचाई h है, इसमें ये 1.5 मीटर का हो गया, तो ये कितना होगा यहां से यहां तक की ऊंचाई को मान लीजिए h अगर लेते हैं तो 10 45 डिग्री बराबर, ये कोण 45 डिग्री बना रहा है, h बटे 28.8 यानी h बराबर हो गया 28.8। चिमनी b से a से b की दूरी है, तो ये 1.5 मीटर भी जुड़ जाएगा, 1.5 + 28.5 = 30 मीटर, यानी चिमनी की ऊंचाई हो गई 30 मीटर। साथियों अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, भूमि की एक बिंदु है, एक भूमि का बिंदु ये पी ले लिए 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, ये 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये भी भवन है, ये जो हो गया ये भी भवन है, भवन की ऊंचाई है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब भवन के शिखर पर एक ध्वज लड़ा हुआ, इसके ऊपर एक झंडा गड़ी हुई है, इस झंडे के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री का है, तो कहता है कि ध्वजदंड की लंबाई क्या होगी, यानी h बराबर पूछ रहा है व्हाट, फिर आपसे पूछता है कि इसकी दूरी कितनी है भवन से, ये भी आपसे पूछ रहा है, तो समकोण त्रिभुज ABP में आइए, 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार 10/x, 10 30 का मान 1/√3 है, तो 10/x x बराबर 10√3 मीटर, यानी यहां से दूरी जो हो गया भवन से प्रेक्षक की जो दूरी है वो 10√3 मीटर है। अब आइए त्रिभुज ACP में, 10 45 डिग्री, पूरा कोण 45 डिग्री का है, ये पूरा जो है h + 10 हो गया, यहां से यहां तक 10 है, झंडे की ऊंचाई 10, भवन की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई h, भवन की ऊंचाई 10, पूरा ऊंचाई हो गया h + 10 बटे x हो गया, x का मान 10√3 मीटर है, कैलकुलेट कीजिएगा 10 + h = 10√3, 10 कॉमन निकाल लीजिए h बराबर हो जाएगा 10 × √3 - 1, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, वन घट जाएगा 0.732 हो जाएगा, वो 10 से गुना करेंगे 7.3 मीटर हो जाएगा। अतः ये जो झंडे की ऊंचाई है वह झंडे की ऊंचाई 7.3 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया इस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49.7 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो डीबी की लंबाई जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी ये मुझे ज्ञात करनी है। ये AB जो हो गया वो एक मीनार है, इसे हम यहां A कह देते हैं और इसे B कह देते हैं, कि AB मीनार हो गया, उसकी छाया जो है जब 60 डिग्री होती है तो x है, और 30 डिग्री जब रहती है तो 40 मीटर अधिक हो जाती है, यानी x + 40 हो जाती है। तो इस समकोण त्रिभुज में आएंगे, इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी देख सकते हैं, 10 60 डिग्री बराबर h/x होता है, 10 60 का मान √3, √3 बराबर h/x, यानी h = √3x हो गया,
ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब त्रिभुज ए बी डी में टेन 30 डिग्री एच बटे एक्स प्लस 40 रूट तीन का मान एक बटे रूट तीन, टेन तीस का मान एक बटे रूट तीन होता है, एच का मान रूट थ्री एक्स है, एक्स प्लस चालीस बराबर हो गया 3x, यानी 40 बराबर 2x, यानी x बराबर हो गया 20 मीटर, यानी BC की लंबाई हो गया 20 मीटर, h का मान हो जाएगा ऐसे भरेंगे तो 20 रूट 3 मीटर, और पूरी छाया BD बराबर हो जाएगा, BD बराबर 40 प्लस 20 बराबर 60 मीटर, ये पूरी छाया जो है 60 मीटर होगी साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बहुमंजिल भवन है, ए बी एक बहुमंजिल भवन है, उसके शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के बराबर 29.45 है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का और नीचे का पाद बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, शिखर देंगे तो 30 डिग्री का कोण बनेगा ये, और जब उसके नीचे का बिंदु देखेंगे तो 45 कोण बनेगा। तो कहते हैं दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है, x कितनी है, तथा इसकी ऊंचाई कितनी है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी है। साथियों पहले हम इस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज ए बी सी में टेन 45 डिग्री बराबर एच बटे एक्स, टेन 45 का मान एक होता है तो एच बराबर हो जाएगा एक्स। अब त्रिभुज बी डी में टेन 30 डिग्री बराबर एच माइनस एच बटे एक्स, एक बटे रूट तीन एच बटे एक्स क्रॉस कर दिए तो रूट थ्री एच बराबर एट, रूट थ्री बराबर एक्स, एट रूट थ्री इसको इधर ले आए, एक्स बराबर एच है तो एक्स की जगह एच भर दिए, एट रूट थ्री एच कॉमन निकाले, रूट थ्री माइनस एक बराबर एट रूट थ्री, एच बराबर हो जाएगा एट रूट थ्री बटे रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री प्लस वन से को नीचे गुना कर दिए, एट रूट थ्री प्लस वन, तीन में रूट तीन का स्क्वायर तीन, एक का स्क्वायर एक, तीन में से गया दो, दो से कट जाएगा चार मरते, अतः एच बराबर हो गया 4 × 3 प्लस रूट थ्री मीटर, यानी बहुमंजिल की जो ऊंचाई हो गई वो हो गया 4 × 3 प्लस रूट थ्री मीटर, और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी वही हो गई 4 × 3 प्लस रूट थ्री मीटर। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक नदी के पुल के बिंदु से नदी के समूह किनारों की अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ये नदी की चौड़ाई मान लीजिए, इसके ऊपर कोई बिंदु P है, उसके अवनमन कोण दोनों शिखर दोनों किनारों पर क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, और यदि पुल किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर है, यानी यहां से इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी मुझे बतानी है, यानी ए से बी की दूरी कितनी होगी बताना है। साथियों ए से एम मान लेते हैं कि एक्स मीटर है और एम से बी मान लेते हैं वाई मीटर है, इस त्रिभुज में आएंगे, इस त्रिभुज में ये नदी की चौड़ाई होगी पुल, नदी से पुल की ऊंचाई होगी 3 मीटर, ये हमें यहां से यहां तक की नदी है, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, इस समकोण त्रिभुज में ये लंब हो गया और आधार हो गया 33 डिग्री 3 बटे एक्स, 33 का मान एक बटे रूट तीन क्रॉस करेंगे 3 रूट 3 मीटर हो जाएगा, यानी ए से एम की दूरी 3 रूट 3 मीटर हो गया। अभी समकोण त्रिभुज में आएंगे 10 45 डिग्री 3 बटे वाई, यानी वाई बराबर हो जाएगा 3 मीटर, यानी नदी की चौड़ाई हो गया x प्लस वाई, एक्स का मान हो गया 3 रूट 3 और y का मान हो गया 3, 3 कॉमन निकाल लिए रूट 3 प्लस 1 मीटर हो गया साथियों। इस तरह से आप में एक्सरसाइज 9.1 के एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन को सीखा है। साथियों हमारे साथ जुड़े रहे, हम अगले सत्र में एक्सरसाइज 9.1 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, तब तक लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।